चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 17 आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेट करेगा बेटा। अपन ने अभी तक के मटेरियल पढ़ चुके हैं, लेबर पढ़ चुके हैं, अपन ने उसके साथ में वेरिएबल पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन कर चुके हैं। अब अपना फोकस रहेगा मेनली फिक्स ओवरहेड पढ़ने पे। फॉर्मूले सारे अपन समझ चुके हैं, ये क्वेश्चन में अपन कन्वर्जन के साथ में जो नॉर्मल फॉर्मूले अपन ने लगाए वो भी देखेंगे पक्का। चलिए निकालते हैं अपन। तो अपन लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ पिछले लेक्चर्स में अपना ऑडियो का प्रॉब्लम आया है मुझे सुनने मिला है, तो इस टाइम मैं ट्राई करूंगा कि वो ऑडियो का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 पे हूँ मैम, क्वेश्चन नंबर 17 पे हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है मेरा, बात समझना। क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 पक्का। सर आराम से डेटा पढ़िए, आपको आधा क्वेश्चन तो वही समझ में आ जाएगा जब आप डेटा पढ़िए, आधा क्वेश्चन आपको तभी समझ में आ जाएगा जब आप क्या पढ़ोगे, डेटा पढ़ोगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या बोलता हूँ। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी, अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन वर्किंग 8 आवर्स पर डे। एक मशीन है जो 8 घंटे पर डे काम करती है, जो 25 दिन में काम करी, मतलब कि 120 मशीन है जिन्होंने 8 घंटे पर आवर के हिसाब से काम किया है, और टोटल कितना काम किया है 25 दिन पक्का। फिक्स ओवर बजट कितना है 1,44,000 है। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड 4 घंटे दिया हुआ है, एक्चुअल में उसने 24 डेज मेरा बजट क्या था 25 डेज। सर आपको इसमें समझ में आ जाएगा जब बोल रहे हो, सर जब आपने बात की 24 डेज और बजट कितना था 25 डेज, सर इसी में को पता चल जाएगा एक दिन का क्या है यहाँ पे कैलेंडर बैलेंस, एक दिन का क्या है मेरा कैलेंडर बैलेंस पक्का। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे देखते हैं। उसके साथ मेरे को मशीन आज दिए है 840 पर डे के हिसाब से, 840 मशीन आज दिए सर डायरेक्टली मेरे को क्या दिया 840 मशीन आज दे दिए है। उसके बाद में मैंने प्रोड्यूस किया है 5,304 और एक्चुअल में 1,42,000 सर 142 और एक्चुअल बजट कितना था 144। तो देखो नॉर्मली मेरा मेरे हाथों में देखना, अपन ने क्या करें फिक्स वेरिएंस, फिक्स को अपन ने दो में बांटे, एक है बजट और एक है कौन सा मेरा वॉल्यूम। सर जब मैं बजट की बात करता सर बजट क्या रहेगा, जितना मेरा बजट सोचा था जितना एक्चुअल हो गया, जितना बजट मैंने सोचा था जितना एक्चुअल हो गया। सर मैंने कितना सोचा था 1,44,000, मैंने कितना सोचा था 1,44,000, हुआ कितना 1,42,000, हुआ कितना 1,42,000, यानी 2,000 का क्या हो जाएगा वेरिएंस। बात समझ में आ रही है, बड़ी बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, सर लिख लेते हैं। चलो पर्टिकुलर सर क्या लिख रहा मैम, पर्टिकुलर्स, थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँ। चलिए पर्टिकुलर्स, बजट और साथ में क्या है मेरा एक्चुअल, सर पर्टिकुलर बजट और एक्चुअल, पर्टिकुलर बजट और एक्चुअल पक्का। सर तो पर्टिकुलर में सबसे पहले लिखते हैं मैम आर्स लिखते हैं, सर सबसे पहले क्या लिखता है मैम आर्स लिखता हूँ। सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखो 120 मशीन है, 120 मशीन है सर, इंटू करूँगा 120 मशीन है, 120 क्या है मशीन है, उन्होंने 8 घंटा काम किया, उन्होंने कितना घंटा काम किया 8 घंटे काम किया है, कितने दिन तक के 25 दिन तक के 25 डेज। आपको क्या मिल जाएगा टोटल मशीन आवर्स, आपको क्या मिल जाएंगे टोटल मशीन आवर्स, आपको क्या मिल जाएंगे टोटल मशीन आवर्स पक्का। तो इसको मैं थोड़ा मिटका देता हूँ सर, एक्चुअल को मैं इधर बाजू में लिख देता हूँ। तो ये कितना मिल जाएगा मुझे कैलकुलेट करूँगा तो 24,000 आवर्स, कितना हो जाएगा 24,000 आवर्स। बात समझ में आई पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत। आगे एक्चुअल में आप देखोगे तो ये 120 × 8 जो अपन कर रहे हैं 120 × 8, इससे क्या मिलेगा हमको टोटल मशीन आवर्स मिलेंगे, टोटल 120 मशीन में कितना काम हुआ मेरे को ये बात पता चलेगी। तो उसने आपको ऑलरेडी वो करके दे दिया सर, आपको उसने ऑलरेडी वो करके दे दिया, कितना करके दिया 840, कितना करके दिया 840। और सर 840 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे 24, 840 को मल्टीप्लाई करूंगा 24 से, कितना मिलेगा सर मेरे को, सर मेरे को मिलेगा 20,160 और इधर क्या आ जाएगा आवर्स 20,160 आवर्स। बात समझ में आई सर पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं सर अभी तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। सर अगली चीज कि पॉइंट नंबर ए हो गया, तो पॉइंट नंबर बी क्या है मेरे पास फिक्स्ड ओवरहेड। सर फिक्स ओवरहेड कितने हैं सर, कितने हैं बजट मैंने 1,44,000 का सोचा था, एक्चुअल कितना हो गया 1,42,000 का, बजट 1,44,000 का सोचा था एक्चुअल कितना हो गया 1,42,000 का पक्का। सब प्रोडक्शन, सब प्रोडक्शन अब बात समझना सर, क्या आपको स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन दिया है क्या, क्या बजटेड प्रोडक्शन दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है बजटेड प्रोडक्शन दिया है क्या, नहीं दिया सर। लेकिन हमेशा मेरी एक बात याद रखना, बजट बजट इज अ स्टैंडर्ड, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर अ
आपके मन से आवाज आनी चाहिए, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर अ, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर अ स्टैंडर्ड बजटेड एक्टिविटी, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर अ बजटेड एक्टिविटी। बात समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिमाग चल रहा है अच्छे से? सब कुछ ठीक ठिकाने? बट बजट इज अ स्टैंडर्ड, बजट की स्टैंडर्ड ही है, आप लोगों ने तय करके रखा कि आपका बेंचमार्क है, इतना बजट करना है, आपका बेंचमार्क है। लेकिन कौन सी एक्टिविटी का बेंचमार्क है बेटा? तो वो कौन सी एक्टिविटी का बेंचमार्क है? आपने जो बजटेड एक्टिविटी सोची थी उसका बेंचमार्क है। तो वही सर स्टैंडर्ड क्या होता? सर स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड है, सर स्टैंडर्ड इज ऑलवेज अ स्टैंडर्ड, मतलब कि वो मेरा बेंचमार्क ही है। लेकिन सर वो बेंचमार्क किसके लिए है? सर वो मेरा बेंचमार्क है फॉर अ एक्चुअल एक्टिविटी जो परफॉर्म हो चुकी है। बात समझ में आ रही? इसे मैं हमेशा एक वर्ड आपके लिए बोलता हूँ बेटा, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आज फॉर अ एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड जितनी भी सारी चीजें अपन देखे थे वो हमेशा स्टैंडर्ड किसके लिए होती थी? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होती थी। लेकिन सर जब मैं बजट की बात करता था, इसलिए बजट हमेशा किसके लिए था? बजट इज ऑलवेज फॉर अ बजटेड एक्टिविटी, बजट इज ऑलवेज फॉर अ बजटेड एक्टिविटी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो बेटा। समझना, बजटेड आवर्स कितने मेरे पास में? 24,000। बजटेड आवर्स कितने मेरे पास? 24,000। तो सीधी सी बात है सर, मेरे पास आपको रेशो दिया हुआ है कि एक यूनिट में, एक यूनिट में कितने आवर्स लगते हैं? 4 आवर्स लगते हैं। 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 आवर्स। ये बात समझ में आई सर? तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास 24,000 आवर्स है, अगर मेरे पास कितने आवर्स है? 24,000 आवर्स है, तो मेरे को ये कितना लगेगा? सर मेरे को ये कितना लगेगा सर? आप कर लोगे 24,000 डिवाइडेड बाय 4। सर तो प्रोडक्शन में लिख सकता मैं 24 डिवाइड, सर कितना आ जाएगा ये? जल्दी से मन से आवाज आनी चाहिए, 6,000 यूनिट। सर कितना हो जाएगा ये? 6,000 यूनिट। बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत? एक सेकेंड, ठीक है। प्रोडक्शन है 6,000, कैसे आपको लोगों को समझ में आऊंगा कि सर मैंने प्रोडक्शन तो निकाला लेकिन प्रोडक्शन फॉर बजटेड यूनिट, यानी कि जितने बजटेड एक्टिविटी के हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए था मैंने उसके हिसाब से प्रोडक्शन निकाल के दिया। पक्का सर? एक्चुअल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना दिया हुआ है? 5,305 यूनिट। पक्का अच्छे से समझ में आया? पॉइंट नंबर डी, प्रोडक्शन हो गया। सर वर्किंग डे, सर वर्किंग डे कितने हैं? सर बजट में 25 डेज है, तो यहाँ पे कितने? 24 डेज। बजट में 25 डेज और 24 डेज। पक्का समझ में आ रहा है? उसके आगे शुरू करते हैं। इतनी डिटेल तो दिया हुआ है, सर उसके आगे मैं कुछ बनाना चाहूँगा। वर्किंग, सर वर्किंग की कौन सी होगी? तो वर्किंग बाजू में लिखता हूँ क्योंकि डेटा आपको दिखते रहना चाहिए। तो पहला, तो जब भी मैं वर्किंग की बात करूँगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा SRR, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट। दूसरा आप लोग निकालोगे SRR पर आर, SRR पर आर। और तीसरा आप लोग निकालोगे SRR पर डे, SRR पर डे। पक्का अच्छे समझ में आया? तो उसके बाद में तो फॉर्मूले तो आप लोगों को पता है, तो कैसे फॉर्मूले से बजटेड, जितना बजटेड है कितना है? 1,44,000 डिवाइड करूंगे किससे करूंगे? एक बार 24,000 से, एक बार 6,000 से, एक बार 25 से। पक्का तो करते हैं 1,44,000 डिवाइडेड बाय सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, सर यूनिट्स कितनी है? 6,000। तो यूनिट कितनी है? 6,000। तो 1,44,000 तो करते हैं 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6,000, तो कितना गया सर आपका? 24। सर कितना आ गया आप लोगों का? 24। पक्का बात समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत? सर उसके आगे करते हैं SRR पर आर, तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय आर्स कितने? 24,000। आर्स कितने? 24। 144,000 डिवाइडेड बाय 24,000, तो कितना आ जाएगा आपका ये? 6 रुपीज़ आ जाएगा। कितने रुपये आ जाएगा? 6 रुपीज़। सर SRR पर डे में डिवाइडेड बाय कितने रेट है बेटा? 25। कितने रेट है? 25। तो 1,24,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाएगा ये? 5,760। सर इसके आगे पर यूनिट, पर आर और पर डे, पर आर और इनटू पर डे। पक्का सर? अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी डिटेल दी हुई है क्वेश्चन में, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन भी करवाया था ये, पर थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। मान लो क्वेश्चन में कोई वहाँ पे दिया हुआ नहीं था कि 1 यूनिट के 4 आवर लगते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि फॉर एवरी यूनिट 4 आवर्स इज रिक्वायर्ड, ये स्टैंडर्ड डेटा है आपका।
तो आप आराम से एसएच निकाल सकते हैं, यानी कि एक्चुअल कितना यूनिट है 5305 इंटू 4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मिल जाएगा। सर मान लो कि अगर आपको सिर्फ ये दोनों डेटा दिया रहता, यानी कि SRR पर यूनिट है 24 रुपये पर यूनिट, SRR पर यूनिट कितना है 24 रुपये पर यूनिट, और SRR पर आर है 6 रुपीज़ पर आर। मैंने आपको इसके पहले ही समझाया था सर, SRR पर यूनिट कैसे निकलता है, सर SRR पर यूनिट कैसे निकलता है, यानी अगर इसको मेरे को आर से निकालना तो SRR पर आर इंटू नंबर ऑफ आर्स करूँगा फॉर वन यूनिट, फॉर क्या वन यूनिट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा SRR पर यूनिट। तो लॉजिकली देखो ये 24 रुपये हैं, ये 6 रुपये हैं, और इंटू इसको x मान लेता मैं x आर्स, देखो सर सीधी सी बात है x कितना हो जाएगा 4 आर्स हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 4 आर्स, मतलब कि स्टैंडर्ड में अगर आपको 4 यूनिट बनाना है, अगर 1 यूनिट बनाना है स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर 1 यूनिट बनाना है आपको मिनिमम कितने लगेंगे 4 आर्स लगेंगे, कितने आर्स लगेंगे 4 आर्स लगेंगे, बस समझ में। पर मेरे को टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे को डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, मेरे को इसका टेंशन की बात नहीं है कि ऑलरेडी मेरे को ये डेटा किसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही क्या मेरी? हाँ सर समझ में आ रही, अच्छे से समझ में आ रही। चलिए सर यहाँ पे मैं लिख दिया, अब डेटा इतना है, एक काम करो पहले इतना कॉपी कर लो आप लोग, पहले इतना पॉज करके कॉपी करेंगे, ठीक है कॉपी हो गया। चलो आगे का शुरू करते हैं। सर मेरे को 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली समझानी है। सबसे पहले क्या SH, सर SH किस लिए रहता है? SH फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, हमेशा SH किसके लिए रहेगा? स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकना, थोड़ी सी लाइट ज्यादा हो रही है सर लग रहा है मुझे, एक मिनट। नीड नहीं है इतनी लाइट, तो अब थोड़ा शायद अच्छा रहेगा। चलिए स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, सर सिंपल सी बात है, मेरे को तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है आपका 5305 का है, 5305 यूनिट्स का है सर, इंटू एक के लिए कितना लगता है आपको 4 यूनिट लगता है सर, 5305 है आपको, एक के लिए कितना लगता है 5 यूनिट का लगता है, आपको 1 यूनिट के लिए 4 आवर्स लगते हैं, आपको 1 यूनिट के लिए कितना लगता है 4 आवर्स लगते हैं, तो 5305 के लिए कितने, तो इनटू कर देंगे सीधा सीधा, तो कितना हो जाएगा ये 5305 इनटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 21,220। बात समझ में आई पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत? सर मैं आपको इसमें कन्वर्जन वाले फॉर्मूले भी समझाने वाला हूँ, इसमें मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, कन्वर्जन वाले फॉर्मूले भी समझाने वाला हूँ। तो सर मैं एक और चीज निकाल के रखते हैं यहाँ पे, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स, तो नॉर्मली में कोई लगता है स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आर्स में कोई लगता है, आप लोगों ने देखा है कई जगह सर कैसे निकालते हैं नॉर्मली, सर अगर आप लोग देखोगे तो एक्चुअल आर्स कितने दिए मेरे को क्वेश्चन में, सर ऊपर जाना सर एक्चुअल आर्स देखो कितने दिए हुए 20,160, सर एक्चुअल आर्स कितने दिए 20,160। बात समझ में आ रही है पक्का? एक मिनट रुकेगा मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन में, हाँ 20,160 दिया हुआ है पक्का। अब बात समझा मेरी कि सर अगर सर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आर्स क्या होते हैं, कि अगर मेरे पास सिर्फ एक्चुअल आर्स मैंने काम किए, मतलब कि अगर मैंने 20,160 आर्स काम किए हैं, अगर मैंने इतने घंटे काम किए, तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होता, यानी कि 20,160 घंटे का कोई बंदा काम कर ले तो कितना स्टैंडर्ड आउटपुट देना चाहिए था। सर मेरे को लॉजिक तो बताएं, सर एक यूनिट के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए 4 आवर्स, एक यूनिट के लिए कितने आवर्स 4 आवर्स, तो अगर 20,160 घंटे बंदे ने काम किया, कितने ने काम किया 20,160, तो कितने लगेंगे सर, सीधे से डिवाइड कर दूंगा 20,160 डिवाइडेड बाय 4, तो देयरफॉर ये तो ऐसे मैंने समझाने के लिए लिखा आपको, इसको आप हटा सकते हैं, इसमें सीधा आप लिख लें 20,160 डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स, तो ये कितनी आ जाएगी 5,040 यूनिट्स, यानी कि अगर एक्चुअल आर्स अगर मैंने पूरा स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया होता, एक्चुअल आर्स जितने भी घंटे काम किए हैं, अगर मैंने इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया होता तो सर क्या होता, मेरे पास कितना मिलता 5,040 यूनिट्स होता था। बस समझ नहीं पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर? इतना तो समझ में आ गया सर, ये दोनों चीज़ लिख लेंगे।
पक्का। चलिए मैं करना शुरू करता हूं। आप जो चीजें निकालनी रहेगी मैं आपको पहले बता दूं, कुछ चीजें निकालना पड़ेगा मेरे को, वो चीजें और कुछ नहीं है कि तो रिवाइज बजटेड आर निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक सिंगल चीज है रिवाइज बजटेड आर, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं वो। एक सिंगल चीज है ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो अपन शुरू करते हैं, तो अपन शुरू करते हैं। पक्का बेटा? चलिए मैं सबसे पहला, मेरे को सारे वेरिएंस निकालने फॉर्मूले, तो सबसे पहले मैं कौन से निकालूंगा, या अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है सर मैं अलग अलग निकालते जाता हूँ, मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लूँ अपने लिए। सबसे पहला कौन सा वेरिएंस दिया है, इफिशियंसी वेरिएंस, तो मैं लिख देता कौन सा वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस, तो कौन सा वेरिएंस है, इफिशियंसी वेरिएंस। पक्का? तो इसमें लिखेंगे फॉर्मूला क्या है मेरा, सर सबको पता है, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर आर पर आर, एस आर आर पर आर। पक्का? तो एस एच कितना है मेरे को क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया, मेरे पास अलग से डेटा है तो मैं डायरेक्टली लिखते जाऊंगा। एस एच अपने निकाले कितना, 21,220 माइनस ए एच कितना है बेटा, 20,160 इंटू एस आर आर पर आर कितना निकला था अपना, 6 रुपए, कितना रुपए निकला था, 6 रुपए। पक्का बात समझ में आई? तो सर 21,220 माइनस 20,160 और इसको इंटू करिए 6 से, इंटू करेंगे किससे, 6 से, तो आपका कितना आ रहा होगा, 6,360 फेवरेबल, 6,360 क्या आ रहा होगा आप लोगों का, फेवरेबल आ रहा होगा। बात समझ नहीं? पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर नहीं है, समझ में आ गया सर, लेकिन अब दिक्कत आएगी सर, फॉर्मूला तो आप अभी तक के यूज करते आ रहे हैं इसलिए आपको समझ में आ गया, आपको याद भी है, पर सर कन्वर्जन, अगर एग्जाम में आपको बोला कि आउटपुट के हिसाब से निकाल पाओ तो आधे बच्चे तो छोड़ देंगे, 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्वेश्चन छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? इवन तो कितना भी उन लोगों ने पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा हो सर, इंक्लूडिंग मी, अगर मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन आता कि इफिशियंसी तुम आउटपुट से निकाल के आओ, तो भैया जहाँ पे मैंने पढ़ा था वहां से मेरे को ये चीज क्लियर नहीं थी, मेरे को इतने सारे फॉर्मूले वहां पे रटवाए नहीं गए थे, समझाए गए थे, पहले बता रहा समझाए गए थे, बहुत अच्छे से समझाए गए थे। सर पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ समझाने से होने वाला नहीं है, आपको एट द सेम टाइम चीजें याद होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इतने सारे फॉर्मूले अगर आपको साथ में दे दिए जाए तो आपको याद रहेंगे। पक्का? सर मेरे पास में क्या है, मेरे पास टेक्निक है सर, उसको क्या बोलता है, मैं कन्वर्जन पेयर। सर मैं एक साथ क्या लिखता, आउटपुट लिख देता, एक जगह क्या लिख देता, आर्स लिख देता। सर तीन आउटपुट कौन से, या तो बजट वाला आउटपुट होगा, या तो बजट वाला आउटपुट होगा, या तो स्टैंडर्ड वाला आउटपुट होगा, या तो एक्चुअल वाला आउटपुट होगा। पक्का बात? ठीक है सर, इसमें एक चीज है ना, ये स्टैंडर्ड वाला आउटपुट फॉर किसके रहता है, फॉर एक्चुअल आर्स। सर स्टैंडर्ड आउटपुट किसके लेंगे, फॉर एक्चुअल आर्स के लेंगे। पक्का बात समझ में आ रही है? सर आगे, सर आज सर बजट का बजट में ही चेंज होगा, तो बजटेड आउटपुट इज बजटेड आज, सर स्टैंडर्ड का एक्चुअल में चेंज होगा, और एक्चुअल का किस में होगा, स्टैंडर्ड में होगा। सर एक्चुअल आर और यहाँ पे क्या होंगे, स्टैंडर्ड आर। और सर मेरे को पता है कि जहाँ पे भी मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, जहाँ पे भी मैं स्टैंडर्ड लूंगा वहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बात समझ में आई? पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत? सर तो वापिस से शुरू करते हैं, फॉर्मूला कैसे चेंज होगा समझना। सर स्टैंडर्ड आर है, सर मेरे पास में क्या है, स्टैंडर्ड आर, तो किस में चेंज होगा सर, एक्चुअल आउटपुट में। सर स्टैंडर्ड आर किस में चेंज होगा, एक्चुअल आउटपुट में, पक्की बात है। सर माइनस, सर ए एच है, सर ए एच किस में ट्रांसफर होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट सर इनटू एस आर आर पर आर है, तो एस आर आर पर यूनिट, एस आर आर पर यूनिट। बात समझ में आई सर? सर फॉर्मूला देखो ना, आंसर सही आ रहा है। सर एक्चुअल आउटपुट कितना था, 5,305 मैंने ये निकाल के रखो कितना, 5,040 और सर मेरे को ये पता है कितने रुपये, 24 रुपये, कितने रुपये, 24 रुपये। सर इसको मल्टीप्लाई करके मैं करूँगा, तो 5,305 माइनस 5,040 इंटू 24। सर ये भी मेरा कितना आ रहा है, 6,360 फेवरेबल, 6,360 फेवरेबल, मतलब आंसर तो सही है, आंसर तो बेटा क्या है, सही है। बात समझ जाएंगे? पक्का अच्छे से। सर पहले कॉपी करेंगे इतना, सर मैं आपसे कॉपी इतनी जल्दी जल्दी आज क्यों करा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद का फिर आप लोग ट्राई करें। एक बार आपने अभी कॉपी कर लिए तो वीडियो को पॉज करें, आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करें सॉल्व करने का। पक्का? सर क्वेश्चन नंबर टू, सर दूसरा वेरिएंस कौन सा बोला मेरे को, कैपेसिटी वेरिएंस। सर दूसरा वेरिएंस कौन सा पूछा, कैपेसिटी वेरिएंस। सर अब आपको याद हो गया होगा, अगर यहाँ पे मैं बना दूं सर टोटल
सर टोटल से दो निकलते थे, एक को मैं एक्सपेंडिचर बोलता था, एक को मैं वॉल्यूम बोलता था। सर वॉल्यूम से तीन निकलते थे, सर एक को मैं कैलेंडर बोलता था, एक को कैपेसिटी और एक को इफिशियंसी। सर अगर फॉर्मूला ये, तो ये वेरिएबल जैसा था और ये भी कैसा था, वेरिएबल जैसा, और बाकी सबके फॉर्मूले मैंने क्या तय करे थे, एक्चुअल माइनस बजट, एक्चुअल माइनस बजट, एक्चुअल माइनस बजट और एक्चुअल माइनस बजट, यही फॉर्मूले थे। सर उसके आगे ये रुपीज में है, सर ये रुपीज में है, ये यूनिट में है, आउटपुट बेस, ये आर्ली बेस फॉर्मूला है और ये किस में था, डेज वाला फॉर्मूला था पक्का। असल इसमें मैंने देखा था बजटेड को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ता था किसमें, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी में। सर रिवाइज बजट क्वांटिटी कितना होता था, सर अगर मेरी बजटेड क्वांटिटी कम है तो जितने एक्चुअल में जितने दिन काम हुए उसके हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी को क्या करता था, सिर्फ चेंज कर देता, उसको क्या कर देता था, चेंज कर देता। सर ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है बाद में। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँ, जब मैंने पढ़ाई की थी सर मैं इसको हमेशा कंपेयर करता था आरएसक्यू से, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी याद आ रहा था या फिर रिवाइज स्टैंडर्ड आर, सर वहाँ पे मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता था। तो इसके लिए सर स्पेशल नोट लिख के रख लिया आप लोग, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे को बताओ सर कैपेसिटी चेंज करनी है। सर कैपेसिटी चेंज करनी है तो मैं 25 दिन को, अगर मेरा बजट 25 दिन है और एक्चुअल 26 दिन है, तो 26 दिन की तो ऑलरेडी कैपेसिटी ज्यादा ही होगी ना। सर मेरे को बताओ 25 दिन की कैपेसिटी और 26 दिन की कैपेसिटी, दोनों में से ज्यादा कौन सी होगी, सर ऑब्वियस 26 दिन की कैपेसिटी होगी। सर अगर आपको कैपेसिटी टेस्ट करनी है तो दोनों 26 दिन की टेस्ट करो, तब बात समझ में आएंगी। सर अगर एक 25 की लोगे, एक 26 की लोगे, तो ऑब्वियस हमेशा कौन जीतने वाला, 26 ही जीतेगा, बात समझ में आ रही। सर इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक कैलेंडर वैलेंस पहले हटा दो। सर एक बार कैलेंडर का वैलेंस हट गया तो अब सिर्फ कैपेसिटी का वैलेंस बचा, तो कैपेसिटी को मैं दोनों को 26 दिन में लेना चाहता हूँ। दोनों को किस दिन में लाना चाहता हूँ, 26 दिन में। तो सर मैं एक नया वर्ड लिखता हूँ, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, क्या लेता मैं, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी, बात समझ में। सर तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक काम करता हूँ, रिवाइज बजटेड क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। रिवाइज बजटेड क्वांटिटी क्या होता है, क्या क्या मेरा फॉर्मूला, बात समझना। सर मेरे पास कितने दिन काम हुआ है, सर कितने घंटे काम हुआ है, 24,000 घंटे। तो 24,000 घंटे काम हुआ लेकिन कितने दिन में, सर कितने दिन में, 25 दिन में। सर मेरे को बताओ 24,000 की कैपेसिटी 25 दिन की, पर एक्चुअल में कितने दिन काम हुआ, 24 घंटे नहीं काम हुआ, सर एक्चुअल में कितने दिन काम हुआ, 24 दिन। सर तो ये जब मैंने 20,160 घंटे यूज करें, यानी 24 से तो 20,000 कम है, तो 24 से 20,000 तो कम है, तो क्या कैपेसिटी लॉस 4,000 क्वांटिटी का है क्या, 4,000 घंटों का है क्या, सर नहीं। सर क्यों नहीं, तो क्योंकि 24,000 घंटे कितने दिन में कम करे गए, 25 दिन में किया गया। तो 24,000 घंटे कितने दिन में किए गए, 25 दिन में किए गए। सर एट द सेम टाइम ये 20,000 घंटे कितने दिन में किए गए, सर ये जो 20,000 घंटे वो सिर्फ कितने दिन में किए गए, 24 दिन में किए गए, मेरी बात समझना है। सर अगर आपको कैपेसिटी का टेस्ट करना है, अगर आपको कैपेसिटी का टेस्ट करना है तो दोनों को एक लेवल में लाना पड़ेगा, दोनों को एक लेवल में लाना पड़ेगा। मतलब सर ये मैं 24,000 को कन्वर्ट करूंगा कितने में, ये 24 दिन के हिसाब से, तो 24,000 को कन्वर्ट करूंगा 24 दिन के लिए। तो सीधी सी बात है सर, मैं क्या करूंगा, मेरे को बताओ 24,000 अगर 25 दिन के लिए है, 24,000 अगर 25 दिन के लिए है, तो 24 दिन के लिए कितने, तो 24,000 अगर 25 दिन, तो 24/25 करूंगा, सर 960, सर 960 का क्या, एक दिन का आ गया, सर इंटू करूंगा 24 से, इंटू करूंगा उसे 24, तो 2040 आवर्स, बात समझ में आई। सर मतलब कि कैपेसिटी कितनी थी मेरी 24 दिन की, 23,040 की थी, 23,040 मैंने यूज कितने की, बस मैंने 20,160 यूज किया। सर अब ये मेरे लिए एडवर्स बना है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी 23,000 कुछ करने की थी लेकिन मैंने यूज कितना किया, सिर्फ 20,000 किया, बात समझ में आ रही। तो सर मैं फॉर्मूला लिखता है यहाँ पे, तो therefore फॉर्मूला क्या था मेरा, एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, और सर इंटू करूंगा SRR पर आवर से, SRR पर आवर से, बात समझ में आई। हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल आवर्स कितने मेरे, सर एक्चुअल आवर्स थे मेरे कुछ 20,160, सर माइनस बजटेड कितने 23,040, और स्टैंडर्ड रेट कितना था 6 रुपये का, सर स्टैंडर्ड रेट कितना है 6 रुपये का। सर तो जल्दी से मल्टीप्लाई करें, 20,160 into 23,040 into 6, तो कितना आ रहा है आप लोग का, 17,280 आ रहा होगा, और सर ये आएगा आपका एडवर्स वैरियंस। सर क्या आएगा आप लोगों का, एडवर्स वैरियंस, बात समझ आ रही। तो ये एडवर्स वैरियंस क्यों आ रहा है, क्योंकि सर नेगेटिव आंसर है तो एडवर्स आ रहा है। सर मेरे को सिर्फ मैंने एक्सपेंडिचर वाले में आपको याद कराया,
क्योंकि मैंने पहले फॉर्मुला को बजट माइनस एक्चुअल बताया था, उसको मैंने चेंज किया एक्चुअल माइनस बजट। क्यों किया सर? ताकि मेरा आंसर अगर पॉजिटिव रहा तो फेवरेबल, नेगेटिव रहा तो एडवर्स रहे। फिर मेरे को बजटेड एक्सपेंडिचर वराइंस में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पक्का फिक्स एक्सपेंडिचर जो वराइंस है उस पर ध्यान। सर इसका और सर दूसरा वाला भी तो बताओ, ये तो बता दिए सर, तो करते जाओ सर। एक्चुअल आस किस में चेंज होंगे? एक्चुअल आस स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस सर बजटेड आर किस में चेंज होगा? सर बजट इज ऑल्सो बजट, तो बजटेड क्वांटिटी और सर एस आर आर पर यूनिट। सर इसका लॉजिक मत पूछना क्योंकि ये डिराइव फॉर्मूले, मैथ्स के डिराइव फॉर्मूले, लॉजिक थोड़े बहुत है लेकिन फॉर्मूले लॉजिक से बहुत दूर है। लॉजिक इस पे है सर, लॉजिक इस पे एक्चुअल कैपेसिटी इतनी थी, मैंने बजट, मैंने बजटेड कैपेसिटी इतनी थी, तो उसका वेरिएंस आ जाएगा। सर ये थोड़ा भलते ही भलते जाना पड़ता है। तो सर स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है मेरा? मैंने ऊपर निकाला है 5040। सर अगर वो बजट याद है तो 1600 था और स्टैंडर्ड यूनिट कितना था मेरा? 2400 का। सर कितना हो जाएगा ये? 5040 माइनस 6000 करना और इंटू 24 कर देना, तो आपका गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट रुकना। तो बजटेड क्वांटिटी कितनी है? सॉरी यहाँ पे जब मैं करूँगा तो बजटेड क्वांटिटी फॉर 24 डेज निकालना। तो यहाँ पे तो कैपेसिटी 24 डेज में आना चाहिए ना, मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे 6000 नहीं आएगा। तो जैसे आपने बजटेड क्वांटिटी आज को आपने चेंज करे वैसे क्वांटिटी भी 24 डेज की लेंगी, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे रफ में कर देता, अगर 6000 25 दिन की है तो 24 दिन की कितनी? तो 6000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 24 तो कितना आ जाएगा ये? 5760। सर आपने क्या किए? सर ये याद रखना, अगर कैपेसिटी एक्चुअल की 24 डेज की है तो सर उसको मैं जब कंपेयर करूंगा तो बजट की भी क्या होनी चाहिए? 24 डेज की ही होनी चाहिए। बजट की भी कितनी होनी चाहिए? 24 डेज की। और सर जो 24 डेज की मैं निकालूंगा इसी को मैं प्यार से क्या बोलूंगा? रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी। इसी को क्या प्यार से क्या बोलूंगा? रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी। पक्का बात समझ में आई? तो इंटू करेंगे किसे? 5760 से। अब मल्टीप्लाई करो सही आएगा, माइनस 5760 इंटू 24 तो बराबर आ रहा हूँ 17280 और ये आ रहा हूँ आपका एडवर्स। सर कितना आ रहा हूँ एडवर्स? बात समझ में? तो तीसरे पे आ जाते हैं, पहले इतना लिख लो। सर कैसा है आपकी गलतियां भी आपको समझ में आ जाऊंगा, जो गलतियां कर रहे हो उसको तुरंत ठीक करते जाओ, ठीक है? अच्छे से तीसरा बनाऊं? सर हाँ तीसरा बनाइए। सर तीसरा, तीसरा कौन सा है मेरे को? कैलेंडर वेरिएंस, तो लिख देता मैं फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। तो फॉर्मूला तो सेम है, एक्चुअल माइनस बजटेड इनटू एसआरआर। सर अब यहाँ पे क्या है? सर एक कैलेंडर है मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे? डेज होने चाहिए, तो एसआरआर भी क्या रहेगा? डेज का रहेगा। सर एक्चुअल डेज कितना काम किए? 24 दिन काम किए। सर लॉजिक सुनना, 24 दिन काम किए, काम कितने दिन करना चाहिए था? 25 दिन, इसकी वजह से वेरिएंस आ गया। सर वेरिएंस कितने रुपए? सर मेरा वेरिएंस है, मेरा 5760 का रेट है, 5760। सर तो कितना वेरिएंस आ जाएगा? 5760 एडवर्स। तो वेरिएंस कितना आ जाएगा? 5760 एडवर्स। सर इसका कन्वर्जन सर नहीं होता। सर कन्वर्जन अपन ने सिर्फ आर्स और यूनिट का सीखे, सर डेज और किसी का नहीं सीखे हो, तो इस पे कोई कन्वर्जन होने वाला नहीं है ना। ये आपको एग्जाम में पूछेगा किसको कन्वर्ट करके दिखाओ। बात समझ में आई? पक्का ये एक ही फॉर्मूला जो एक ही जगह यूज होता है। अगर क्वेश्चन में सर कैलेंडर दोनों जगह 24 डेज यूज का, बजट भी 24 का एक्चुअल, सर कैलेंडर वैलेंस नील, कैलेंडर वैलेंस वैलेंस क्या हो जाएगा? नील। सर कैसे? बात समझना, अगर दोनों जगह 24 रहता तो 24 माइनस 24 सर इंटू 100000 से कर दो, इंटू 5760 से कर दो, आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। बात समझ आई? मल्टीप्लाई किसी से भी करो आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। बात समझ में आई? तो चौथे आ जाते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये तो दुनिया का सबसे इजी वेरिएंस मेरे को लगता है आपको लगता होगा। सर सिंपल सा है, वापस से फॉर्मूला तो मैं एक्चुअल माइनस बजट ही लूंगा, पर यहाँ पे अगर माइनस में आंसर आते हो तो आपको दिक्कत होंगे। ये रुपीज और रुपीज में, मतलब कि एक्चुअल कितना सोचे थे आपने? 142 खर्चा हो गया, 142 क्या हुआ?
खर्चा हो गया माइनस, सोचा कितना था 1,44,000। सर आंसर अगर देखोगे तो -2,000 आ रहा है। अगर आंसर देखोगे तो -2,000 आ रहा है। पर सर अगर आपको कुछ याद करना है, अगर मेरी टेक्निक पे जिंदा रहना और अगर आपको याद करना है तो बेटा मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, तो और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। या तो आप इसको ऐसा याद कर लो बजट माइनस एक्चुअल, आपकी चॉइस है, या तो मैंने जैसे बताया सबको एक्चुअल माइनस बजट करो। सिर्फ एक जगह यहाँ पे ध्यान रखना जो लॉजिकल भी है, जो लॉजिकल है। अब लॉजिक में सिखाता सर, आपने सोचे थे 1,44,000 खर्च हो गए, इसको छोड़ो, आपने सोचे थे कि आपके एग्जाम आपके ट्यूशन में 50,000 रुपये खर्च होंगे, आपकी सीए की सारी ट्यूशन में आपने सोचे थे कि 50,000 खर्च होने वाले हैं, 50,000 खर्च होने, आपने एक्चुअल में खर्चा कर दिया 46,000। एक्चुअल में खर्चा कितना करें 46,000, सर आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सर सोच के बताओ, आपने सोचे थे 50,000 का खर्चा होगा, एक्चुअल में खर्चा हुआ 46,000 का, तो आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? सर एक एक जवाब आना चाहिए आपका, सर बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि 4,000 रुपये बच गए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, आपने सोचा था 1,44,000 का, आपने सोचा था कितना 1,44,000 का, हुआ कितना 1,42,000, हुआ कितना 1,42,000। मतलब कि बेटा सीधी सी बात है, ये 2,000 क्या होगा आपके लिए फेवरेबल होगा, ये 2,000 क्या होगा आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा। घुसा दिमाग में अच्छे से, कोई दिक्कत? सर मेरे को बिना बात देखा था ना वॉल्यूम कितना आएगा, बिना फॉर्मूला लगाए बताओ वॉल्यूम वैरियंस कितना आएगा। सर सीधा सीधा क्या करूँगा, इफिशियंसी प्लस कैपेसिटी प्लस ये, तो करके देखो सर 6,360 फेवरेबल प्लस, सर माइनस करूँगा क्योंकि एडवर्स है 7,280, और सर फिर वापस प्लस करूँगा, पर ये लेकिन माइनस है तो वापस मैं माइनस करूँगा 5,760। सर आपका वॉल्यूम वैरायंस आएगा 16,680, आपका वॉल्यूम कितना आएगा 16,680, 16,680 आएगा, ठीक है? तो करके देखते सर, तो पांचवी चीज वॉल्यूम वैरायंस। सर फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला तो मैंने आपको ऐसा ही रटवा दिया है, एक्चुअल माइनस बजट। और सर वॉल्यूम की बात मैं किस पे करता, सर मैं यूनिट्स में करता हूँ। सर किस पे बात करता इसकी, मैंने यूनिट्स में करता, इनटू करूंगा एसआरआर पर यूनिट। बात समझ आई? सर एक्चुअल यूनिट कितनी बनी आपकी 5,305। सर बजट कितना था 6,000 का, सर बजट कितना था 6,000 का, इंटू एस आर आर पर यूनिट कितना है सर 24 का, सर 24 का, तो करो 5,305 माइनस 6,000 इंटू 24। सर एडवर्स आ रहा है 16,680 एडवर्स, मैंने आपको बोला था 16,680 आएगा। बात समझ में आ रही है? सर मज़ा तो अब आएगा सर, और सर मज़ा तो अब यहाँ पे और समझना। सर एक्चुअल यूनिट किस में कन्वर्ट होगी, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जिसको कन्वर्जन याद नहीं वो खोल के रखेंगे, माइनस। सर बजटेड यूनिट्स में कन्वर्ट होगी, बजटेड आवर्स में। सर एसआरआर पर यूनिट किस में होगा, एसआरआर पर आर में होगा पक्का। सर एसएच फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, सर ऊपर देखना पड़ेगा, याद थोड़ी करके बैठा हूँ मैं। सर कितना है 21,220, और सर बजटेड कितना है 24,000, 21,220 और 24,000, तो 21,220 माइनस 24,000, और सर इंटू करूँगा किससे 6 से, तो कितना आ जाएगा सर 21,220 माइनस 24,000 इंटू 6, इंटू क्या 6, तो कितना आएगा 16,680, और ये भी क्या रहेगा एडवर्स, क्या रहेगा ये भी एडवर्स रहेगा। बात समझ में आ रही है पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर कन्वर्जन थोड़ा हार्ड जा रहा है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर कन्वर्जन हार्ड जा रहा है, सर नहीं करते ना सर, सर करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं सर, करना पड़ेगा, मेरे को नहीं पता करना पड़ेगा। सर क्यों इतना फोर्स क्यों कर रहे? अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना तो एक पेपर में ऐसा है, एक पेपर में डू आंसर विथ ओनली आर डेटा, आर्स मतलब कि घंटों के हिसाब से जो डेटा दिया है उसके हिसाब से वैरायंस निकालना, आउटपुट का फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, सब क्या कर लोगे सर दिक्कत? बात समझ में आ रही? सर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएंगी सर, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। और सर इतने ईजिली पढ़ाया हूँ ना कि कोई नहीं पढ़ा सकता सर, इतने ईजिली फिक्स ओवरहेड के वैरायंस के फॉर्मूले जो अपन ने याद करे हैं, सर पूछ के बता दो अपने दोस्तों से वो कैसे याद कर रहे हैं और मैंने कैसे याद करवाया है, तो आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि सही सर लेवल का डिफरेंस है, बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? सर इंपॉर्टेंट है, इसे इतना फोर्स कर रहा हूँ, प्लीज़ बात मानिए आपकी, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए पक्का, ठीक है सर। सर वॉल्यूम वैरायंस हो गया। सर छठवा आखिरी वैरायंस है आपका कौन सा, टोटल वैरायंस। सर टोटल वैरायंस तो अपन को फॉर्मूले याद ही चाहिए सर, क्या का आप वो बताओगे। सर अगर मैं आउटपुट साइड से करूँ तो एब्जॉर्ब माइनस इंकर, सर फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल प्रोडक्शन
एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर यूनिट, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये मत करना ए आर आर यूनिट इनटू वो मत करना। सर क्यों नहीं करना मैं बताता, क्योंकि वो फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा, अपना जो कन्वर्जन वाला है ना वो अप्लाई नहीं होता है, फिक्स ओवरहेड सिर्फ ऐसा लिख देना। मतलब एक्चुअल कितना है 5305, स्टैंडर्ड कितना है 24,000 का, पक्का सर कितना है 24,000 का, और एक्चुअल हुए थे 142,000, एक्चुअल कितना होता 142,000, पक्का। तो करके देखो ना 5305 इंटू 24 माइनस 142,000, सबका आ रहा होगा 14,680, और ये आ रहा है एडवर्स 14,680 एडवर्स। सर फॉर्मूला चेंज करके बताओ। सर अगर आप लोग एक्चुअल प्रोडक्शन को देखोगे तो चेंज होता है एस एच फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन में इंटू एस आर आर पर यूनिट, तो एस आर आर पर आर में, और सर एक्चुअल होता है एक्चुअल में, सर एक्चुअल किस में होगा एक्चुअल में, तो आंसर सेम ही आएगा। सर कैसे एस एच कितना है 21,220, तो तुक्का मतलब को याद नहीं है, अगर आंसर रहता है तो ऊपर जाके देखूंगा, माइनस 142,000, तो 21,220 इंटू 6 माइनस 142,000 कितना रहा है सर, आ गया उतना ही था मतलब 14,680 क्या हो जाएगा ये एडवर्स हो जाएगा। बात समझ में आया सर, इतना समय क्यों दिया सर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था हम कर सकते थे, पर जरूरी था, अगर मैंने इतना समय इसमें इन्वेस्ट किया है तो बेटा इतना समझ के चलना कि ये क्वेश्चन आपको आप कभी भूलना नहीं है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है एग्जाम, इसको मार्क करके रख लो अपने पास में, सेव करके रखो अपने यूट्यूब पे, क्योंकि जब एग्जाम देने जाओगे तो फुल फ्लेज क्वेश्चन एक पढ़ के जाना, हो गया बात खत्म, सर एग्जाम में हमेशा याद रहेगा। समझ में आ रहा है, तो सर ये पूरा अच्छे से लिखिए पहले, मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ स्क्रीन को, ऊपर से लेके आता हूँ, मेरे ख्याल आपने ऊपर लिखे थे पहले, पर मेरे को आप कुछ लोगों पर शक है जो नहीं लिखते, बेशरम लोग होते है ना, बिल्कुल विजय जैसा, विजय सुन रहे ना हेलो, तो ये पहले करना, ये लिखना, पॉज करो, तो पहले ये पॉज करके लिखो, फिर इतना लिखना पॉज करके, एक काम करो खत्म ही कर दो, तो पहले इतना पॉज करके लिखो, फिर आखिरी में इतना सा बचा है ये बिल्कुल, ठीक है। चलिए थैंक यू, यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अब बहुत इजी इजी क्वेश्चन बचे हुए हैं, हार्डली 2 घंटे का अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बचा हुआ है, जो कल के कल यानी कि मैं ये आज रात में अपलोड करूंगा, आज का डेट है मैं आपको बता दूँ थोड़ा देख के, आज 24 है, कल 25 रहेगा, कल के कल में अपन को पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म करना है, बात समझ में आ रहा है। 26, 27, 28 अपन 3 दिन लेंगे लेबर के लिए, हार्डली 3 दिन 28 तक के, 29, 30 लेंगे अपन लोग बजट क्लेम, तो अपना 5 दिन में 2 चैप्टर खत्म करना है, और अब 1 चैप्टर आपका बढ़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग, वो चैप्टर बचा रहेगा क्योंकि आपके एक बार पूरी टेस्ट सीरीज होंगी, आखिरी में मैं लूंगा, बहुत बच्चों वाला चैप्टर है, बहुत ही गंदा चैप्टर है, यानी कि वो आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे लेकिन इजीली खत्म हो जाएगा, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। तो अपना 5 दिन का टारगेट है, 3 दिन में लेबर खत्म करना है, 2 दिन में बजट खत्म करना है, बात समझ में आ रही। बजट इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर यू हैव एवर केम अक्रॉस, बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली करेंगे सब कुछ खत्म करेंगे पक्का। तो ये पहले चैप्टर खत्म करना है 2 से 2.5 घंटे में, अब अगले लेक्चर्स में करना है आपको, और कल के कल में मतलब 25 अप्रैल को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो जाना चाहिए, बात समझ में आई। चलिए थैंक यू।